दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक खूंखार गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 9 तूफानी छक्के ठोककर मोहम्मद शमी ने छुड़ाए कंगारुओं के पसीने। विस्फोटक पारी खेलकर तोड़ डाले कई सारे बड़े रिकॉर्ड। रोहित कोहली नहीं, मोहम्मद शमी बने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खौफ का दूसरा नाम। तो आखिर कैसे ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए मोहम्मद शमी ने खेली ऐतिहासिक शतकी पारी। उनके खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर उनके भयावह छक्कों की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो देखने से पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में बेहतरीन गेंदबाज कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों के लिए तैयारी करके आए थे, लेकिन उनके लिए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन बनकर मैदान में आ गए मोहम्मद शमी। नागपुर के मैदान पर उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का छोटा सा नमूना सभी ने देखा था। ड्रेसिंग रूम में भी उनके छक्कों के लिए तालियां बजती हुई नजर आई थी। लेकिन अब दूसरे टेस्ट से पहले अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए मोहम्मद शमी ने एक ऐसी पारी खेली जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, पूरे टेस्ट मैच के ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस कैच खेलने का फैसला किया, लेकिन मेहमान तो उस वक्त हैरान रह गए जब मैदान पर बल्ला लेकर गदा भारी भीम की तरह उतर गए मोहम्मद शमी। उन्होंने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन शमी ने पहली गेंद पर कप्तान पैट कमिंस को चौका लगाकर ही बता दिया कि वह यहां तूफान मचाने के इरादे से आए हैं। बस फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की पिटाई का मौसम शुरू हो चुका था। उन्होंने मिचेल स्टॉक की गेंद पर एक हैरान कर देने वाला छक्का लगाया। जी हाँ, खड़े खड़े मोहम्मद शमी ने गेंद को सीधे स्टेडियम में दे मारा। इस छक्के को देखकर विराट कोहली से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ तक हैरान थे और सब बेहद खुश भी थे। दोस्तों, मोहम्मद शमी का तूफान यही नहीं थमा, इसके बाद भी उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। नाथन लायन के खिलाफ 3 गेंदों पर 2 चौके छक्के बटोर कर मोहम्मद शमी ने महज 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सभी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि आज शमी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है, और कुछ ऐसा ही नजारा हमें अगले आधे घंटे में देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अर्धशतक लगाने के बाद वह और भी खूंखार हो गए, और पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए हीरो बनकर उभरने वाले टॉड मर्फी की तो शामत ही आ गई। इस गेंदबाज पर मोहम्मद शमी कहर बनकर टूट पड़े। आपको बता दें, मर्फी की गेंद पर शमी ने लगातार 3 तूफानी छक्के जड़े। पहला छक्का उन्होंने मिड ऑन की तरफ मारा तो दूसरा मिड ऑफ की तरफ। तीसरी गेंद पर उन्होंने आगे निकलकर गेंद को सीधा 100 मीटर दूर फेंक दिया। उनके यह भयावह छक्के देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हेड कोच राहुल द्रविड़ से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी बेहद खुश और हैरान थे। दोस्तों, इसी के साथ शमी 96 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए महज एक और बाउंड्री की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम उनके लिए चीयर कर रहा था, और शमी ने फैंस की उम्मीदों को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। पैट कमिंस की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका बटोर कर उन्होंने महज 55 गेंदों पर 9 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया भी उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मैच में मोहम्मद शमी ने करिश्मा ही कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली के मैदान पर हमें शमी का जादू देखने को मिलेगा कि नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।